ये सोचने समझने की आवश्यकता है। बहुत 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 गहरी बात आज अगले छंद की पंक्तियों में हमें पंडित दौलत राम कहने वाले हैं कि त्रियंश बने, बहुत बड़ा शरीर मिला इसलिए खुश मत हो जाना। आज आपको पुण्य के उदय से बहुत बलवान शरीर, बहुत बड़ा शरीर, बहुत धन संपत्ति आदि सब कुछ मिली हो सकती है, पर यह लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। पर्याय भी मिली, मनुष्य पर्याय हो चाहे बड़ी शेर की, हाथी की भी बलवान पर्याय क्यों ना मिली हो, पर कितने समय तक? चंद वर्षों तक। फिर अगर आपने निर्बल जीवों को सताया है तो वे ही निर्बल जीव पुनः एकत्रित होकर आपको सताने वाले मिलेंगे। क्या आप लोगों ने अखबारों में और उन न्यूज़पेपरों में नहीं पढ़ा, किसी जीव को पूरे मधुमक्खी के छत्ते ने खाली हुआ और पूरे मधुमक्खी के छत्ते ने ऐसा ऐसा चपेट लिया, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। कौन थी वे मधुमक्खियाँ? पूर्व जन्म की बैरी थी, पूर्व जन्म की बैरी थी। ये भूल मत कर लाना, ये भूल मत कर लेना कि ये त्रियंश है, उसे क्या होता है, उसे तो मारने पीटने से ही वो ठीक होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी जीव है, वो भी त्रियंश है, उसे भी समझने की, संभलने की, संभालने की आवश्यकता है। कितने 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 दुख दिए जाते हैं उन त्रियंशों को, ये भी तो सोचो। भले ही आज वे निर्बल है, मुख से कह नहीं पा रहे हैं, पर घंटों घंटों उसे ऐसी तड़प चिलचिलाती धूप में उन खेतों में उन बैलों से काम करा रहे हैं, हल चला रहे हैं, कहीं बैलगाड़ी चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये तो सोचते कि उस पर्याय में आप भी थे, उस पर्याय में मैं भी था। जब मुझे आज गर्मी ठंडी की बाधाएं दुख दे रही है, फिर उसको उस समय पे भी कितनी तकलीफ और कितना दुख दे रही होगी। आंखों देखी घटना है, आंखों देखी घटना है। एक जगह से हम विहार करते हुए जा रहे थे, विहार करते हुए जा रहे थे, और विहार करते करते एक चतुर्मास के लिए विहार चल रहा था, और शाम को एक स्थान पर, एक स्कूल पर विश्राम, और वैसे ही जुलाई जून जुलाई के मौसम में बादल बनते पानी गिरता है। शाम का समय हुआ और अचानक से धुआंधार पानी गिरा, रात भर कम से कम 4-6 घंटे पानी गिरता रहा। हम तो बढ़िया छत के नीचे थे, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, पर सुबह हम जैसे ही उठकर पुनः विहार करने लगे, हमने देखा कुछ ही कदम चले थे गांव के अंतिम छोर पे, हमने देखा एक बाउंड्री बनी थी, वहाँ पर बहुत सारी गाय और भैंस बंधी हुई थी, और रात भर का इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी गिर चुका था कि आधे आधे पैर उन गाय बैलों के वो कीचड़ में दब चुके थे, और ऐसा बांधा था, ऐसा बांधा था कि किसी को हिलने की तक जगह नहीं थी। इतनी सारी गाय भैंस बैल वगैरह इतनी सी जगह में बांधी थी। तब याद आया, तब ऐसा लगा कि देखो आज भले ही ये त्रियंश है, ये मनुष्य जो उसका मालिक है उसे बांध कर रख रहा है, पर ये भूल रहा है कि कभी ये भी इनके पर्याय में ऐसा ही था, ये भी कभी त्रियंश था। ये माँ कभी भूल मत करना, कोई त्रियंश भी घर में आ जाए, दरवाजे तक आ जाए, उसे लाठी से मारने का प्रयास नहीं करना। दे सको तो रोटी का टुकड़ा दे देना, नहीं देना है तो मत देना, पर लाठी पत्थर लेकर मारना मत, भगाना मत। ऐसे 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 निर्दयी लोग, ऐसे ऐसे निर्दयी लोग होते हैं। उन त्रियंशों के ही पूछ को वह ऐसी रस्सी बांध ली और रस्सी में लगा दिए फटाके, लगा दी आग, अब वे नाच रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये तुम उनको दुख देने की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, स्वयं को दुखी बनाने का काम कर रहे हो। देखा हमने आँखों से,
वह स्वान दौड़ रहा है, गाय दौड़ रही है, उसके पूंछ पे फटाके लगाए हुए फट फट फूट रहे हैं, वे भागे जा रहे हैं, कहीं छिल रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, कहीं टूट रहे हैं, कहीं फूट रहे हैं। आपके पीछे फटाके लगा के आपको दौड़ा दिया जाए तो क्या स्थिति होगी? फिर सोचो उन जीवों को हम दुख दे रहे हैं, उन पे क्या बीत रही होगी? अरे हम भी तो उन पर्यायों में थे, हमने भी तो घंटों घंटों दूसरों के वजन ढोए हैं, घंटों घंटों क्या दिन दिन रात रात एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते 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 वजन ढोते गए। क्यों क्यों हम दूसरों को दुख दे रहे हैं? आज आप बलवान हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है निर्बल को दुखी करो, परेशान करो मत करो। किसी को सताना, किसी पर अत्याचार करना ये बहुत बड़ी हिंसा है, पाप है, मत करो अत्याचार, मत करो मत करो। क्योंकि आपको कब क्या होगा इसका बोध नहीं है। अगर अगर उस जीव ने भीतर बैर बांध लिया तो कई भाव तक वह तुम्हें पेरता रहेगा। एक सत्य घटना बता दूं, एक राजा रानी थे, वे हमेशा ही द्यूत खेलते थे। द्यूत जानते ना? नहीं जानते? चौपड़ कह दो, नहीं तो धृतर अवे शकुनी मामा मामा, समझ में आ गया आप तो? शकुनी मामा कह दो तो लगे समझ में आएगा। राजा कैसे किसी दूसरे की प्रशंसा सुने? स्वाभाविक सी बात थी, रानी की विजय हो, राजा की हार हो। एक बार, दो बार, चार बार, छह बार, दस बार उसने सुना, और करते 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 अब वो दिमाग में वही बैठा था कि रानी की जय हो, रानी की जय हो। वो जीतते जीतते राजा हार गया, और जैसा राजा हार गया तमतमाते हुए उसने उठा और कहता है ये तोते के कारण हुआ, ये बार 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 कहता था कि रानी की जय हो, रानी की जय हो। उसने खोला पिंजड़ा और निकाला तोते को और वही गर्दन मोड़ के मार दिया। वह तोता जब तक प्राण था और जैसे उसने पकड़ के गला उसका दबाने का मोड़ने का प्रयास किया, वो आर्द्र रौद्र ध्यान करने लगा, ये राजा है कि कौन है, मुझे मार रहा है। ठीक है ठीक है, आज मैं निर्बल हूँ, आज मेरे दिन अच्छे नहीं हैं, आज मेरे पाप का उदय है, पर ध्यान रखना, समय आने दो मैं बता दूंगा। आप भी तो यही कहते हैं, आज का इंसान भी तो ये कहता है, मंदिर से बाहर निकल फिर बताता हूँ, अभी तो ठीक है कुछ दिन बाद मिलना, फिर सबको ले आता हूँ फिर बताता हूँ। तोते ने भी यही सोचा, तू राजा है आज जो चाहे कर ले, मैं निर्बल हूँ, मैं मूक हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, ठीक है, पर कल समय आने दो मैं तुम्हें देख लूँगा, कल समय आने दो मैं तुम्हें देख लूँगा। समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। वह तो तोता आत्र रौद्र ध्यान से वह व्यंतर जाति का देव बन गया, देव बन गया स्वयं वह जाके। और इधर कुछ समय बीतने के बाद राजा को वैराग्य हो गया। जीवन के किसी भी क्षण पे वैराग्य हो सकता है, वैराग्य उसको हो गया। राजा ने मुनि दीक्षा ले ली और तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। समझना कैसा वैर होता है, कैसी वह वैर की गांठ होती है। वह तो जंगल चला गया और जंगल में वह मुनिराज बन के राजा तपस्या करने लगा, घनघोर तपस्या करने लगा। एक दिन पता नहीं कैसे उस देव को जाति स्मरण हो गया। उसने देखा, अच्छा मुझे मार कर ये मुनिराज बन रहा है, अब उसको मजा चखाता हूँ, उसको अब मैं मजा चखाता हूँ, अब मैं मजा चखाता हूँ। तब तो बहुत बड़ा बड़ा इंसान बनकर मुझे पेर रहा था ना, पहले तो पिंजड़े में बांध कर रखा। वो दुख तो ठीक है, रानी की सेवा से मुझे बहुत दुख नहीं आख रहा, पर थोड़ा सा रानी का पक्ष क्या मैंने ले लिया, उसने मार डाला, अब मैं बताता हूँ।
अब तो तू मुनिराज बन गया है, अब तो तू मुनिराज बन गया है, मैं देव बन गया हूँ, मेरी शक्ति का पार नहीं, मैं बलवान बन गया हूँ, अब तेरा समय आया है, तेरे दिन आए हैं, मैं तुम्हें सब मज़ा चखाता हूँ, मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। वो देव आया, वहाँ से उतरकर अपने स्थान से निकलकर पहुँचा जिस जंगल में वे मुनिराज तपस्या कर रहे थे, उस जंगल पर पहुँचा। उसने देख लिया ये मुनिराज इस पेड़ के नीचे की शिला पर ध्यान करते हैं। उसने देख लिया कि चलो अब मुनिराज चले गए हैं आहार के लिए, चर्या के लिए, वापिस आएंगे तब देख लूँगा। जब तक वे मुनिराज आहार करके जंगल पुनः वापिस आने को हुए, तब तक उसने उस शिला को ऐसा 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 गर्म करके रखा, क्योंकि वह तपाई हुई शिला बाहर से समझ में नहीं आती। ऐसा तपा के गर्म करके रख दिया। मुनिराज को क्या पता कि शिला क्या है, कैसी है। वे तो रोज़ के भांति आए, सामायिक का समय हुआ, ध्यान का समय हुआ, उन्होंने अपनी दिग्वंदना की और जाके उस शिला पर बैठ गए। बैठने के बाद समय नहीं लगा, झुलस गए। आप ये मत सोचना वो तो निर्बल है, मैं दबा लूँगा, कर लूँगा मैं अपनी मनमानी। पर विश्वास मानना माँ, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। मुनिराज बनने के बाद भी वह जो तोते ने बैर बांधा था, वह देव बनकर उस बैर को निकालने के लिए पहुँचा। वो तो मुनिराज थे। उन्होंने तो सहजता में सब झेल लिया, क्योंकि उन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी, उनके पास वैराग्य था, उनके पास इतनी सारी शक्ति थी, परिसहजय था। हमारे पास, आपके पास क्या है, किसका ठिकाना है पंडित जी, पहले कौन चला जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये मत सोच लेना कि निर्बल है, दबा लूँ, सता लूँ। मत सताओ किसी को। भले ही आप बलवान हो गए हो, पर निर्बल को कभी मत पेरना। वह दुख ही है। पढ़ते हैं छेड़ाला के अगले छंद में कुछ कह रहे हैं, जिनको याद है वे साथ में पढ़ने का प्रयास करना, आठवें छंद को। कब हूँ आप भयो बलहीन, सबल निकरी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्या, भार बहन हिम आत पता, बंधवत बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जातन भय। ये त्रियंश पर्याय के दुखों को बताया जा रहा है। कितने 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 दुख भोगे, शेर आदि जैसे बड़े त्रियंची भी बने तो दूसरों को मार खा के पीट के वह दुखी हुए, और निर्बल भी हुए तो कब हो आप भयो बलहीन। कभी आप बलवान थे तो कभी आप बलहीन हो गए, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते लालू, सब दिन भी एक से नहीं होते। पुण्य के बल, धन के बल को देखते हुए अपने आप में मत गुर्राओ कि मैं बलवान हूँ, देख लूँगा एक एक को, मैं निर्बल हूँ, बड़ा हो जाऊँगा, मैं बलवान हो जाऊँगा तो देख लूँगा। मत बांधो बैर की गांठ। बदला लेने के भावना मत रखो। स्वयं बदल सको तो बदल जाओ, पर किसी से बदला लेने के भाव मत लखो। कौन टंगा है उन दुकानों में, देखा होगा ना उल्टे टंगे जीवों को, नहीं देखा? पूरी खाल उधेड़ के ऐसे उल्टे लटके हैं बेचारे वे जीव। कौन लटका है? और उन्हीं की दुकान में जाके वे ही क्यों लटके? बाकी भी तो त्रियंश थे, उनका ही नंबर क्यों आया और उसी के हाथ में क्यों आया? क्योंकि पिछली पर्याय में उसने उसको सताया था, अब वो कह रहा है कि ठीक है, ये चार मुर्गियों में से पहले इसको ही पकड़ता हूँ, यही बकरा अच्छा है।
कब हो आप भयो बलहीन, सबलनी करु खायो अति दीन। पक्का है आज वे उल्टे लटके हैं, कल जो उसे उल्टा लटका रहा है उसको उल्टे लटकने के दिन आएंगे। कर्म सिद्धांत है, कोई नहीं टाल सकता, कोई तीर्थंकर भगवान उस कर्म सिद्धांत को नहीं टाल पाए। हम और आप और हम कौन सी मूली, मामूली भी नहीं। खेत की मूली तो छोड़ ही दो, हम तो मामूली भी नहीं। उनकी सहन शक्ति भिन्न थी, हम पंचम काल के इंसान हैं, हमारी सहन शक्ति भिन्न है। मत बनाओ किसी को बैरी, मत बनाओ किसी को बैरी। अरे भूल हो गई, भूल को भूल जाओ, भूल करने वालों को भूल जाओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पंडित जी। किसी से भूल हुई, पहले तो उसके भूल को भूल जाओ, और भूल को भूल नहीं पा रहे मनु तो इस इंसान को ही भूल जाओ। कम से कम हम तो पापों से बचे, या हम सतत उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हम तो कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। कितने कितने दुख मैंने भोगे उस त्रियंश पर्याय में, कभी छेदन, कभी भेदन, कभी भूख, कभी प्यास। जाके देख लेना, वे रोज मैं देखता हूँ रोड पे चलने वाले उन त्रियंशों को, गायल बैलों को। कभी कोई टक्कर मार रहा है, खाने के लिए मिला तो वो भी दूसरों का झूठन खा खा के अपना पेट भर रहे हैं। कभी अच्छी रोटी निकाल के खिलाई, बासी बची है सो दे देना, गाय खड़ी है बाहर। भूख प्यास ये उसके दुख नहीं है, त्रियंश के दुख नहीं बता रहा हूँ, त्रियंश के दुख नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने दुख बता रहा हूँ, आपके दुख बता रहा हूँ। जब आप त्रियंश पर्याय में थे, त्रियंश गति में थे, तो इन सभी दुखों को आपने भोगा है, मैंने भोगा है। इसलिए कभी कभी किसी को भूख प्यास से पीड़ित मत कर लेना। कभी काम से ज़्यादा काम, शक्ति से ज़्यादा काम किसी से मत करवा लेना। अति भारारोपण, भार वहन, अधिक भारारोपण कर रहे हो, जितनी उसकी शक्ति है ठीक है, आवश्यकता है तो उसकी शक्ति के अनुसार कार्य करो, कार्य करवाओ, पर शक्ति से अधिक कभी किसी से खींचतानी मत करो, मत करो। आजकल तो ऐसी स्थिति हो चुकी है, उन बेचारे गाय भैंस को भी दूध देना मुश्किल हो चुका है। आजकल मशीन लगने लगा है,